नमस्कार, इस वक्त मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरधना विधानसभा सीट पर हूं और यहां पर चुनावी कवरेज करने के लिए आई हूं। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानना चाहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने क्या सोचा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या करने वाला है, यही जानने के लिए मैं यहां पर आई हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरधना विधानसभा सीट है यहां पर और यहां ये गांव सिकोती लगता है। और एक बात, जैसे ही हम यहां पर हमने एंट्री करी तैसे यहां के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि मैडम हम अपनी बात करना चाहते हैं आपसे। और यहां पर ये सिकोली सकोती गांव में लोग इकट्ठा हो गए, बड़े सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई सरकार के पास काम है, कोई है? आप बताइए। आप मैं राशन दिया, सिलेंडर दिया, बिजली दिया, राशन को कौन मांग रहा है? ये राशन कल से आज बंद कर देना। ये राशन वाले क्या है, कल को टांगे वाले आते हैं बेचते हैं। क्या हो रहा है राशन का, ये क्या करेंगे हम राशन का? अरे बच्चों को नौकरी दो, रोजगार दो। अरे इस राशन को क्यों दे रहे हैं? हमने 2 करोड़ रोजगार केंद्र में दे दिए। कहाँ है, कहाँ है? 60 लाख देने की बात कर रहे हैं। किसके पास है ये, किसके पास है? आप बताओ ना, कहाँ है? आपने हमारी रोड देखी है वहाँ तक? अरे हाँ देखा, गई कितना विकास है सकोती में, है कहीं? इनका हर जगह वही है, कुछ नहीं करते लोग। खबर हिंदू मुस्लिम जिन्ना और बस, ये काम इस बार हिंदू मुसलमान का जैसा कुछ मुद्दा नहीं है। हम ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा होगा तो सुलझा लिया जाएगा, लेकिन इस सरकार से बचना होगा, बिल्कुल बचना होगा। और ना हमें 6,000 रुपए चाहिए, ना जो है हमें वो चाहिए, क्या दे रहे हैं फ्री राशन? हमें तो हमारे खेत में बाजार घूम रहे हैं, हमें ये भग जाओ इससे, हमारा राशन दुगना हो जाएगा इनसे। जितना हमारा राशन दे रहे उससे दुगना हमारे बाजार खा रहे बाजार क्या? हाँ सांड, इतना इतना हमारा नाज ये राशन दे नहीं रहे जितना हमारे ये खा रहे बाजार। किस समुदाय से आप आते हो, मैं ये पूछ रहा हूं? जाट समुदाय से। तो जाट इस बार एक छत्र वोट किसको कर रहा है, ये पूरा देश जानना चाहता है। सिर्फ चुनाव उत्तर प्रदेश का है लेकिन बाबूजी जानना पूरा देश चाहता है। राय जो है आपका गठबंधन को मतलब करने का समर्थन कर रहे हैं इधर, गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। भाजपा का क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपा का क्यों नहीं कर रहे? भाजपा के झूठे वादे होते हैं, कहे मंच पर कुछ जाते हैं और करते कुछ नहीं है, इसलिए भाजपा का नहीं कर रहे हैं। हाँ जी देखिए, भाजपा आपके लिए किसानों को फ्री में राशन भाजपा सरकार ने देने का वादा किया दिया। अब अगर राशन हम ना पैदा करें तो मोदी का अपने घर से दे देगा या भाजपा अपने घर से दे देगी? अन्न तो हम पैदा करते हैं यहाँ जी, क्योंकि किसान अन्न पैदा करता है यहाँ जी। दूसरी बात, ये गौ छुटवा दी यहाँ जी, अब बताओ किसान अपने बच्चों को खिलाओगा या दिल्ली को पहुँचाओगा या गौ माताओं को खिलाओगा? हम इस बात से बड़े दुखी हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम समर्थन अपना गठबंधन को दे रहे हैं। हाँ, गठबंधन को दे रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी से। अच्छा, आप कौन से समुदाय से आते हो दादा? हरिजन समाज। आप हरिजन समाज से हो, आप कौन से समुदाय से आते हो? जाट। जाट समुदाय से आते हो। जाट एक बार जो सोच लेता है वो करके रहता है, है ना? आप लोगों ने क्या सोचा है? पिछली बार तो भाजपा का समर्थन दिया एक छत्र थे, एकदम एक मत होकर के, पूर्ण बहुमत से। अब की बार क्या आप लोग सोच करके बैठे? अब हम ये सोच क्या मानने हैं, जब हमारे वादे हमें किसानों को बहुमूल्य इनसे नहीं मिलता लाभकारी मूल्य, इन्होंने हमें झूठे वादे करे, लोग को भका दिया। झूठे वादे कैसे? अमित शाह जी कह रहे हैं कितने साल पुराना, 260 साल पुराना रिश्ता उन्होंने ढूंढ लिया, 650 साल पुराना अमित शाह जी ने रिश्ता ढूंढ लिया आप लोगों से, जाटों से ढूंढ लिया। वोटों की राजनीति कर रहे हैं ना, वोट चाहिए तो रिश्ते तो इनके याद आओगे इनके साल में, जो या जितनी योजना के इनको रिश्ते जब क्यों नहीं याद आए? दिल्ली में आदमी पड़े रहे जब इनके याद रिश्ते क्यों नहीं आए? वहाँ लोगों ने लोगों की जो लैंड कटवा दी पानी के लिए, पानी भी नहीं मिला उन लोगों को, तो इन्हें जनता कैसे वोट देगी? जाट समुदाय इनको वोट नहीं देने का। तो फिर माफी भी तो मांग लिए प्रधानमंत्री जी, काहे की माफी जोड़ के माफी मांग लिए, कह रहे कि जी किसान बिल हम वापस जो, नहीं जो चीज उन्होंने अपनी इन्होंने घोषणा करी अभी तक तो इन्होंने समर्थन मूल्य का ही वो नहीं करा पूरा। हाँ, गारंटी नहीं मिली। हाँ, तो आगे की गारंटी क्या, और आगे हम इनको क्या गारंटी दे दी इन्होंने हमारे मूल्य की गारंटी नहीं दी? तो इन लोगों को हम अपनी गारंटी कैसे दे देंगे? वोट तो हम ही नहीं देंगे, हम नहीं देने को। कांग्रेस भी तो है विपक्ष में, बसपा भी तो है, काम इन्होंने कर रहे किसानों की पार्टी यदि है तो ये है दोनों, RLD प्लस समाजवादी पार्टी, बाकी नथिंग।
750 किसान मर गए योगी जी ने या मोदी जी ने। जाट समुदाय, देखिए जाट समुदाय आरएलडी के साथ है या समाजवादी पार्टी के साथ है, दोनों साथ है वो अलग बात है। वो, हाँ, ये मैं जानना चाहूंगा। आरएलडी के साथ है जाट समुदाय, एक छत्र वोट आरएलडी को। आरएलडी 750 मर गए किसान, उनकी शहादत पर आज तक मोदी जी बोल रहे हो, योगी जी बोल रहे हो, कोई नहीं बोल रहा। प्लस एमएसपी का वादा करा था इन्होंने जब वहां से किसान उठ के आए थे, आज तक उस पर कोई वार्ता नहीं है, कोई बात नहीं है इनकी। तो किसान क्यों वोट दे इन्हें, बताओ आप। नहीं, माफी मांगा है प्रधानमंत्री जी ने, 650 साल पुराना का रिश्ता भी तो ढूंढा। 650 साल पहले गुजरात में कोई जाट भी आया था क्या? बताओ, गुजरात में कोई जाट भी आया हो तो जो हमारा रिश्ता निकट जा। अरे वे तो मोदी जी क्यों करे, बीजेपी का रिश्ता जाटों से। नहीं नहीं, शाहजी ने कहा हो, शाहजी ने कहा। हाँ, तो शाहजी का जाटों से क्या रिश्ता, की कोई जाट भी आया था वहाँ गुजरात में जो रिश्ता हो। दूसरी बात, मोदी जी कह रहे मैंने 20 साल छाप मांग के बीज जाटों से, कौन से जाट से मांग के बी इन्होंने, कौन सा जाट छाप जा रहा था उन्हें मोदी जी को, तो ये बात इनकी गलत है। अच्छा, मुजफ्फरनगर की जब जब बात आती है, अभी भी जब जब मुजफ्फरनगर की बात आती है तो एक मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है, समय पर याद दिलाया जा रहा है, दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, जिस पर 2017 में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आई। इस बार क्या उस तरह के कोई हवा लहर उस मुद्दे पर क्या जा रहे हैं? नहीं जा रहे जी, हम दो भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, बिल्कुल हम भाईचारे से जीने वाले आदमी हैं। हर समाज हमारे यहाँ पश्चिम में 36 बिरादरी एक होती है, लेकिन इन्होंने ही झगड़ा करवाया था और वो जनता अब समझ गई। और इधर 80-20 कह रहे हैं, 80-20 चल रहा है। तो 80-20 सुनो भाई, सुनो, 20 में बीजेपी वाले, 80 में हम हैं। 85 हाँ जी, 85 हम 15 भी, 15 बीजेपी है। 10 साल संगीत सोम देख लिया क्या, अतुल प्रधान को देख सकते 5 साल, फिर बदल देंगे, क्या बात होगी, ये तो अपने हाथ में है। कौन से समाज से आते? जाट समाज से। जाट समाज से आते हैं, जाट समाज जो कहता है सोचता है कर डालता है, करके दिखा दिया। वो तो हवा तो लिगड़ी पड़ी दिख रही हो, तो सबको दिख रही है, ऐसा कोई वो नहीं है। आप लोग अच्छा बीजेपी के विधायकों को घुसने क्यों नहीं दे रहे हो, पहले बताओ। अरे जब वो कुछ करोगे तो अच्छा, आप किस रास्ते से आए निकल कर? रास्ते कोई इधर से आए, इधर से आए? हम इधर से आए हैं, ये खतौली की तरफ से होते हुए आए हैं। रास्ता कैसा लगा आपको? रास्ता तो बहुत खड्डे खुदे हुए थे। तो बताओ संगीत सोमू कैसे देते वोट? 10 साल हो गए, 10 साल में अगर रास्ता नहीं बना तो वो कैसे देते वोट? आपके गाँव पर आता हुआ रास्ते में तो बहुत मतलब बुरा हाल था, जब हमने एंट्री करी तो रास्ते में संगीत सोम, संगीत सोम के रास्ते हैं ये, उनने दे रखे, उसकी देन है, उसकी तो देन है विधायक जी के हमारे। अरे अतुल प्रधान को बनाओ, कुछ तो करेगा नहीं करेगा तो आपको देख लेंगे, फिर दूसरे को क्या बात होगी, बताओ गलत बात ये। 5 साल होते 10 ही हो देख लिया, 10 महीने कुछ नहीं करा, अब अगले साल अगले 5 साल ही देख लो। क्षेत्र की तरक्की चाहिए, कोई भी विधायक हो क्षेत्र की तरक्की होनी चाहिए। अच्छा, हिंदू मुसलमान का कुछ मसला यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि इसमें काम और कैंडिडेट के नाम पर आप वोट दे? हम तो कैंडिडेट के नाम पर वोट देंगे यहाँ, हम यहाँ कोई हाँ कोई हिंदू मुस्लिम कोई मैटर नहीं है, यहाँ सब भाईचारे। 80-20 का क्या होगा? 80 में गठबंधन है, 20 में बीजेपी है। अच्छा अच्छा, हवा कह रहे हैं, ठंड क्या कह रहे थे, गर्मी शांत कर देंगे, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं। अब बीजेपी वालों को पता लगेगा कि कौन गर्मी किसकी शांत करेगा। ये तो डराया जा रहा है, अब आगे 10 मार्च को पता लग जाएगा कि किसकी गर्मी शांत होगी किसकी नहीं होगी। गर्मी निकालने की बात करें, गर्मी तो निकट रही नहीं, भगे भगे मेरे सारे नेता बड़े बड़े बताओ क्या, रक्षा मंत्री योगी मोदी फलाने सब घर घर भाग रहे हैं। अच्छा, अमित शाह जी ने कई जाट 100-200 जाट नेताओं को एक साथ बुलाया, बड़ी मीटिंग करी, बड़ा मान मनोवल किया, आप लोग सब जाट समुदाय का कोई व्यक्ति क्या उस मीटिंग में गया था क्या? नहीं जाना, ये तो उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं जो उनकी गैल गए, वे उन्हीं के मिले जुले हैं, उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के लोग हैं। अब उनमें क्या पता कि वे जाट थे, बनिए थे, ब्राह्मण थे, हमारे से पूछ के थोड़ी गए थे। नहीं तो आप लोगों को इतना मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, मान जाइए। देखा होगा कि गृह मंत्री घर घर पर्चे बांट रहा, हाँ। आज तक कोई आज तक गृह मंत्री ने कभी पर्चे बांटे क्या घर घर? यदि ना हार दिख रहा जब तो बांट रहे, कभी किसी गृह मंत्री ने घर पर पर्चे बांटे क्या, आप ये बता दो। आप लोगों ने भाजपा को एकदम नाको चने चबवा दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, सच्चाई, क्योंकि हमने उन पर विश्वास करा था, काम उन्होंने कोई किया नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी, सीधी बात, नो बकवास, सीधा फंडा इस बार कि आप लोगों ने क्या सोचा है इस बार, किसकी तरफ गठबंधन, या भाजपा या कांग्रेस या बसपा? वोटर की अपनी मर्जी है, हाँ कहाँ जाएगा, दबाव किसी पे नहीं होता, सबका मन है अपना,
जो जहाँ लहर गठबंधन की है, गठबंधन की लहर है और इनके अपने कारनामे हैं। अच्छा गठबंधन तो अभी हुआ ना, आरएलडी और सपा का गठबंधन अभी हुआ, तो फिर नाराजगी बीजेपी से आप लोगों की इतनी ज्यादा? बीजेपी से नाराजगी की कोई ऐसी बात नहीं है, विकास की नाराजगी है, विकास की नाराजगी, विकास की समस्याओं की नाराजगी है। बीजेपी से क्या दिक्कत है? दिक्कत तो समाजवादी से भी नहीं थी, दिक्कत बीजेपी से भी नहीं है, समस्या तो किसान की मजदूर की समस्या है, नाराजगी इस बात की है। नहीं, सरकार तो बीजेपी की है तो सवाल तो उनसे ही करेंगे, तो सवाल तो बीजेपी से ही किया जाएगा। अब क्या करा जाएगा? अखिलेश से तो पूछा नहीं जा, कांग्रेस से नहीं पूछा जा, ऐसा तो है नहीं। तो समस्या है, मजबूरी है, किसान मजदूर की मजबूरी, किसान मजदूर परेशान है, बिजली का बिल महंगा, रोड टैक्स महंगा, जीएसटी हमसे ले रहे हैं फिर भी टैक्स लगा रहे हैं, 15 साल के लिए गाड़ी करके ली थी। जी कहते हैं पहले तो बिजली भी नहीं आती थी, अब हमने बिजली खूब आती थी। तो इन मुद्दों का जो आप बोल रहे हैं हम तो क्या? मुद्दे तो समझा सके, भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, भाईचारा कायम रखेंगे। मतलब हिंदू मुसलमान का कोई यहाँ मसला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। लोग बहक गए थे, बच्चे सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था बच्चों को, दरअसल 2017 में ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, और ये अपने मुद्दों से भूले। किसान के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट की लागू की बात इन्होंने करी थी, 450 के रेट की बात इन्होंने करी थी, और जो है जाटों के आरक्षण की बात करी थी, जाटों के आरक्षण की बात करी थी कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, उसमें कोई पैरवाई नहीं हुई। अब 13 महीने किसान बैठा, हर बिरादरी से किसान है वो बैठा धरने पर, किसी को कोई याद नहीं आई, आज वोट के लिए सबको याद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है पहला चरण अनिल जी, और पहला चरण जो जिसके पक्ष में जाएगा पूरा उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है तो ये तय हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इसीलिए तो कराया गया ना पहली बार, अरे अमित शाह जी ने चार्ज संभाला है पश्चिमी यूपी का, ठीक है वो जनता कर देगी फैसला, फैसला तो जनता को करना, हमारे आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, क्या कितनी डिबेट कर ले? लेकिन आप तो जनता था, अमित शाह ने तो दिल्ली में सिमाड़ा था, पश्चिम बंगाल में सिमाड़ा था, क्या हुआ रिजल्ट? दिल्ली में 3 सीट आई, पश्चिम बंगाल में जो आई वे भाग्य, क्या सिमाड़ा उन्होंने? आप जो बताएंगे होगा भाई, हम तो पत्रकार हैं, हमको तो 10 लोग 10 बातें बताते हैं, तो सबकी बातों पे थोड़ी ना समझ जाएंगे। देखो आप जो बताएंगे, आप बुजुर्ग लोग वही होगा पूरे पश्चिमी यूपी में, बीजेपी के खिलाफ है यहाँ के लोग, बीजेपी के खिलाफ है, इसीलिए विधायक लोग आते हैं तो उनको भगा देते हैं। नीतियाँ ही खराब है, भगाया नहीं, सम्मान भगाया नहीं है, नीतियाँ खराब है, इसलिए हम इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है। इनका एक यहाँ पर बिल्ला भी मुझे दिख रहा है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप लोग सब किसान लोग क्या मतलब किसके साथ हो? सब प्रथम आपका स्वागत है हमारे सुगोती सरदान विधानसभा में, गांव पड़ता है, बैठ जाइए आप, धन्यवाद। और आप सभी जो आपका स्टाफ है सभी का स्वागत है। देखो तो एक पार्टियाँ जो है ना सत्ता के अहंकार में अंधी हो जाती है, अंधी तो सभी थी, पूर्व में कांग्रेस भी थी, वो आज कहाँ है? अब भाजपा का नंबर आया, हम सब ने वोट दी। मैं पहले परिचय दे दूं, मेरा नाम प्रशांत चौधरी और मेरे पिताजी जिलाध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के। अच्छा, और ये आप विशेष तौर से चलाओ बीजेपी वालों के लिए, 30-35 साल तो बताना पड़ेगा, प्रशांत चौधरी जी हैं, उनके पिताजी जिलाध्यक्ष हो चुके हैं भाजपा के। मैंने संघ में प्राथमिक शिक्षक वर्ग किया 1995-94 संघ कर चुका, अभी कितना उम्र हो गया? मैं शाखाओं में गया हूँ। आपकी उम्र बताइए। मेरी 40+ हो चुकी। अरे कैसी बात कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा, बड़े यंग लगते हैं आप। तो ये जो है, अब ये बताए हम क्यों बदल गए, ये पूछो इन लोगों से, अब क्यों बदल गए? भाजपा के साथ थे, संघ के साथ थे, फिर अचानक से आप बदल गए? शाखाएं की है मैंने, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। तो फिर क्या हो गया? मुझे कैसे संघ का झंडा को मन बदल कैसे गए? मन बदला कैसे आप? मन बदला, देखो अब की अब तक ये सब जितने भी खड़े हैं ना, ये सब भाजपा को वोट दिया इन्होंने, लेकिन थे ही भाजपा, इन्होंने तो वोट ही दिया है। हम नहीं, तो भाजपा ही थे। अब ये आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल मैं पूछता हूँ इन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, तो हम कैसे बदल गए 30-35 साल में? बताइए कैसे बदले आप और क्यों बदल गए? एक देश की, इस भारत वर्ष की जो रीढ़ है वो किसान है, किसान है, वो किसानों को इन्होंने बिल्कुल नेस्ता नाबूद करने का बीड़ा भाजपा सरकार ने उठाया है, और वो हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम अंधे भक्त नहीं है। दिल्ली में जब भी किसान गए, चौधरी चरण सिंह के समय से लेके, चाहे अंग्रेजों के समय से, सर छोटूराम से लेके, टिकैत साहब, महेंद्र सिंह बाबा, महेंद्र सिंह टिकैत से लेके, क्या कभी गड्ढे खोद दिए?
कीले लगा दी नहीं, नहीं। ऐसी सरकार पहली बार आयोगी, अब सब देख रहे हैं जो तो मतलब ये किसानों किसानों के लिए गड्ढे खोदना, किसानों के आगे तील कील लगा देना, ये तमाम चीजें किसान चुनाव में याद रखने वाले हैं। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गांठ बांध कर बैठे हैं और पूरा, हाँ जी क्या कह रहे हैं, देश के ही किसान बैठे हैं तैयार। किसान वर्सेस भाजपा हो गया है क्या? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। किसान वर्सेस भाजपा बिल्कुल पूरी तरह नाराज है, क्योंकि हम आंदोलन में रहे और हमने वहाँ की परेशानी देखी। आप थे किसान आंदोलन में, कितने दिन रहे आप? हम आते जाते रहे, हम नजदीक के थे तो ज्यादा समय तो रुके नहीं, लेकिन हम जाते थे, एक दो दिन रुकते थे, कम से कम 2-3 महीने हम वहाँ रहे होंगे इस तरह। तो हमने वहाँ की परेशानी देखी और किसान कुछ सहा है किसानों ने, उनको खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी, न जाने क्या कुछ, मवाली कहा गया, गुंडा कहा गया, बहुत कुछ कहा गया किसानों को। उसके बाद जब आप लोग घर लौट करके आए जब प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली, तो क्या आप लोगों के दिल से जितना भी नाराजगी था वो सब कुछ था, शांत हो गया? नहीं, माफी से कैसे, जो आदमी शहीद हुए, अगर कोई शहीद हो गया उसके बाद माफी मांग रहे तो वो कैसे माफ हो जाएगा? माफी मांगी कहां, शहीदों पे कहां मांगी? माफी कहां मांगी? माफी तो मांगी नहीं कहीं। उन्होंने कहा कि हमसे कोई गलती हुई है, हमारी तपस्या में गलती हुई, शहीदों के नाम पे तो एक शब्द नहीं बोला। वो एक घटना हो जाती है उस पर ट्वीट करते हैं, 750 किसान शहीद हुए हैं, एक शब्द तो आखिर तक भी नहीं बोला। कौन कह रहा माफी मांग ली? अपनी गलती कौन मानता है, कौन मानता है अपनी गलती सरकार में? जब सरकारें जानती हैं सब कुछ हिंदू मुसलमान के नाम से हो जाना है, तो किसानों के बारे में क्यों सोचना, माफी क्यों मांगना? अरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये माफी तो मांगते फिर रहे, अब घर घर पर्चे बांट रहे। तारे भाई बीजेपी तो कह रही है गर्मी शांत कर देंगे, आप लोग बदलाव ले आओगे? हम इन्हें ठंड में पूछा देंगे, भी करो ठंड में पूछा देंगे, वही मुझे पूछा देंगे, लत्ते भी तार बुला देंगे, उनके बिल्कुल ठंड में पूछा देंगे, ठंडक में शिमला पूछा देंगे, वो शिमला कहता ना, शिमला ही पूछा देंगे। उत्तराखंड में भी ठंडक होती है वैसे, उत्तराखंड में ठंडक होती है। हाँ हाँ, जहाँ पहले था वो एक कांगे, उसकी दाढ़ी देखियो, वो कसम खाई थी उनने, इनने कसम खाई थी, बता। इस बात की कसम खाई थी? मेरी नौकरी आर्मी की भर्ती आओगे, मैं भर्ती मारूं और भर्ती हूँ मैं, जब दाढ़ी कटवाऊं मैं, देख लो क्या हाल हो रहा है, देख लो। भर्ती के लिए कोरोना है, चुनाव के लिए कोरोना के टाइम पर कोरोना भाग जाओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गठबंधन के साथ कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। बीजेपी के साथ कौन है, हाथ नीचे करिए। बीजेपी के साथ कौन है? नहीं नहीं, कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं, कोई देखेगा वीडियो में कहेगा हमने सिर्फ आरएलडी के लोगों को इकट्ठा कर लिया। नहीं, जब यहाँ है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अपना फायदा नुकसान सब कुछ समझता है और बड़ी बारीकी से समझता है। इस बार जो यहाँ के किसान तय करेंगे पश्चिमी यूपी के, वही होगा, वही उत्तर प्रदेश का भविष्य तय कर देगा, ये बात तो तय है। और ये किसान ही सरकार बनाएंगे और ये किसान ही सरकार गिराएंगे। तो इस वक्त मैं किसानों के बीच में थी, उनकी जो राय है उनका रुझान आप लोगों को बता रही थी।